हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज के डेट में पबजी गेम कौन नहीं खेलता, और एक बार पबजी ओपन होने के बाद टाइम कब निकल जाता है किसी को भी पता नहीं चलता है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा एप्लीकेशन जिसका यूज करके आप अपने दिन भर के पबजी के यूजेज को ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि आपने कितनी बार पबजी को ओपन किया पूरे दिन में, कितने देर उसे खेला, यानी कि कितना टाइम उसमें बिताया, ये सब कुछ आप उस ऐप की हेल्प से ट्रैक कर सकते हैं। सिर्फ पबजी ही नहीं, दिन भर में आप जितने भी ऐप्स जितने बार भी ओपन करेंगे और जितना भी टाइम जिस इस ऐप पर बिताएंगे वो सब कुछ ये ऐप आपको दिखाएगा, यानी कि आप अपने डेली यूजेस को इस ऐप के जरिए से बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते थे कि आप दिन भर में कितना देर पबजी खेलते हैं और आपको कोई ऐसा ऐप नहीं मिल रहा था जो ये दिखा सके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसमें आपको इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं दो फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप अपने डेली यूजेज को बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, आज मैं जिस ऐप के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है एक्शन डैश। सो गाइस, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, तो सिंपली वहाँ पे क्लिक करके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे सिंपली ओपन कर लें। सो गाइस, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपसे कुछ परमिशंस वगैरह मांगेगा, तो इसकी सभी परमिशंस को अलाउ कर दें। मुझसे ये परमिशन इसीलिए नहीं मांग रहा क्योंकि मैंने इसकी सभी परमिशंस को अलाउ किया हुआ है। सो जब आप सभी परमिशंस को अलाउ कर देंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जिस भी ऐप को आपने पूरे दिन में सबसे ज्यादा देर तक यूज किया होगा वो आपको सबसे पहले दिखाएगा। जहाँ पे मेरा कैंडी क्रश दिखा रहा है वहाँ पर आपको पबजी दिखाएगा, अगर आपने पूरे दिन में पबजी को सबसे ज्यादा देर तक यूज किया होगा तो। और उसके बाद व्हाट्सएप मैंने यूज किया, उसके बाद इंस्टाग्राम, उसके बाद फेसबुक, और उसके बाद गैलरी, और उसके बाद अदर ऐप्स को मैंने यूज किया है, यानी कि जो अलग अलग ऐप्स होंगे बहुत सारे उनको मैंने यूज किया है। सो आपने दिन भर में सबसे ज्यादा जिस ऐप को यूज किया होगा वो आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाता है। उसके बाद अगर मैं स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पर 4 hours 9 minutes का मेरा स्क्रीन ऑन टाइम दिखा रहा है, यानी कि जितनी देर मेरी फोन का स्क्रीन ऑन रहा है वो टाइमिंग ये मुझे दिखा रहा है, जिसमें से 50 मिनट्स मैंने कैंडी क्रश में दिया है, यानी कि 50 मिनट्स तक मैंने कैंडी क्रश को यूज किया है। 44 मिनट्स मैंने व्हाट्सएप को यूज किया है, और इसी टाइप से नीचे इसका पूरा डाटा होगा। आप जिस भी ऐप को जितनी भी देर तक यूज करेंगे ये सभी का डाटा आपको दिखाएगा, बेशक आपने उस ऐप को एक मिनट ही क्यों ना यूज किया हो। उसके बाद अगर मैं स्लाइड करूं तो आपको यहां पर दिखा रहा होगा 253 ऐप लॉन्चेस, यानी कि टोटल मैंने 253 बार ऐप्स को लॉन्च किया है। सभी ऐप्स को मिलाकर ये आपको दिखा रहा है। यहां पर मैंने व्हाट्सएप को 58 बार लॉन्च किया है, गैलरी को 23 बार लॉन्च किया है यानी कि ओपन किया है, तो टोटल मिलाकर मैंने 253 बार ऐप्स को लॉन्च किया है सभी ऐप्स को मिलाकर। तो अगर आप पबजी को सबसे ज्यादा बार ओपन करेंगे दिन में तो सबसे पहले आपको पबजी दिखाएगा। जिस भी ऐप को आपने सबसे ज्यादा बार ओपन किया होगा वो आपको सबसे ऊपर दिखाएगा, और जिस भी ऐप को आपने सबसे ज्यादा देर यूज किया होगा वो आपको सबसे ऊपर दिखाएगा, यानी कि जो भी ऐप सबसे ज्यादा आप यूज करते होंगे वही आपको सबसे पहले दिखाएगा, जिससे आपको पता लग पाएगा कि आप सबसे ज्यादा टाइम किस ऐप पर देते हैं। सो गाइज, हम वापस आ जाते हैं इसके ग्राफ पे। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कैंडी क्रश सबसे ऊपर, तो मैं आपको इस पे क्लिक करके दिखाता हूँ। आप जिस भी ऐप का यूजेज देखना चाहते हैं उस पे आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैंडी क्रश पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा कि 50 मिनट्स मैंने इसे यूज किया है, यानी कि आज के डेट में 50 मिनट्स तक मैंने कैंडी क्रश को ओपन रखा है। तो इस तरीके से आप अपनी एक्टिविटी को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऐप बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। सो गाइस, प्लीज कमेंट करके ये बात जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरी वीडियोस पे एक भी कमेंट नहीं होता है, कोई भी बताता ही नहीं है कि वीडियो अच्छी है कि बुरी है, तो मुझे पता ही नहीं लगता कि वीडियो में क्या कमी है क्या अच्छाई है। तो प्लीज़ यार, कमेंट करके ये बात जरूर बताएं कि वीडियो में क्या कमी है या फिर क्या अच्छाई है, उसी हिसाब से मैं वीडियो की क्वालिटी और जो भी कमी होगी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा कम है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करो ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। गाइस, बाय।